हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में। कल के दिन हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, उनमें से कुछ स्टॉक्स ने तो बेहतरीन मोर देन 15% 17% के रिटर्न दिए। आज अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो डेफिनेटली आपको एक बार वापस से जाके वीडियो को क्रॉस चेक करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सर, मैं जो अपने 2280 सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। आप लोगों के सहयोग से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं सर। आपका सहयोग, आपकी बेस्ट विशेज, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही साथ रहे। अब बढ़ते हैं सर स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक है सर मॉर्फन लैब। आप कह रहे होंगे कि बार बार मॉर्फन लैब को शेयर कर रहे हैं, तो सर आज शेयर किया है क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग हुई है 20 और 50 EMA के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है सर स्टॉक के लिए। 51 के ऊपर क्लोजिंग आई है, हम 38 से इन्वेस्टेड हैं सर इसके अंदर। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना, ऑलमोस्ट हमारा जो पहला टारगेट है वो आ गया है सर। स्टॉक धीरे धीरे करके ये छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसको कंप्लीट करने जा रहा है 62, 73, 86 के टारगेट के लिए। उसके बाद ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न कंप्लीट करेगा ना, तो उसके बाद हम 150, 120, 150 तक के लिए भी इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब ये ब्रेकआउट आएगा। नेक्स्ट होगा सर बैंक ओवरसीज। कल डिस्कस किया था सर, मार्केट भयंकर गिरावट में ओपन हुई, स्टॉक भी थोड़ा सा नेगेटिव गया था। आज के दिन का लो चेक करेंगे 52 समथिंग था, फिर स्टॉक ने अपने आप को संभाला और वापस 61 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो गया। कल ही शेयर किया था करीबन 17% के रिटर्न दे दिए सर इसने आज। ऑलमोस्ट जो टारगेट 1 था वो कंप्लीट हो गया इसका, तो अभी भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं सर। कुछ क्वांटिटी जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर लिया टाइम पे, वो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल कर सकता है, 30% क्वांटिटी 40% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर सकता है और बाकी क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है 80 और 100 के टारगेट के लिए। बढ़ते सर नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक इज सन फ्लैग आयरन स्टील। रीजन सेम सर, अपना कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, उसके साथ MACD का साथ। MACD में भी ये डबल बॉटम बन के, देखिए ये डबल बॉटम बना और ये उठ रहा है, तो यहाँ तक MACD लेके जाएगा ना इसको, तो देखना स्टॉक कहाँ तक जाएगा। फिलहाल हमने शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए जो स्टॉक के टारगेट है अपने, अभी ट्रेड कर रहा है 101 रुपये के आसपास, तो यही अपना एंट्री टाइम है। 98 रुपये से 100 रुपये तक, 101 रुपये तक मिले तो इसको ज़रूर पिक कर लेना चाहिए। 120, 140 एंड 160 के टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं सर। नेक्स्ट होगा सर जीनस पावर। जीनस पावर हमने पहले भी शेयर किया था, एंट्री उस टाइम पे 73-74 की रखी थी हमने और बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था 70 का, बट पोजिशनल ट्रेड था सर ये। शॉर्ट टर्म के टारगेट 81-92 रखे थे जो आज अपने कंप्लीट हो गए हैं लगभग। क्या सर, कंप्लीट हो गए, भी काफ़ी ऊपर चला गया है लेवल से। आज की क्लोजिंग 103 का हाई बनाया है बट क्लोज हुआ है 99.70 पे। तो यहाँ से ये स्टॉक 120, 140 और 160 रुपये के लेवल भी अपने को नियर फ्यूचर में 2 महीने से लेके 3 महीने 4 महीने में दिखा सकता है। तो स्टॉक को मिस ना करें दोस्तों, आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था 70 के आसपास, तो वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सर, 30% 40% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है सर, स्टॉक मार्केट में काम करें प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। पूरी क्वांटिटी ना सही, कुछ क्वांटिटी का कर लीजिए। नेक्स्ट होगा सर प्रीमियर पॉलीफिल्म्स। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ना, वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में आपको ये डबल बॉटम दिख रहा है सर, डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ गया है, ब्रेकआउट भी आ गया सर इसका, ठीक है। स्टॉक देखो यहाँ पे, स्टॉक ये अपना 50 EMA को सपोर्ट लेके वापस बढ़ा है और काफ़ी अच्छी रैली भी दिखाई है। देखो इसने करीबन 7 वीक से अच्छी रैली दिखाई है और बड़ा स्मूथली चल रहा है। देखो अभी ये देखिए MACD बड़े अच्छे लेवल पे है, यहाँ से स्टॉक और ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं।
अभी 115 रुपए के आसपास ट्रेड करा, हमारे जो टारगेट हैं 140, 160 और 180 के टारगेट हैं सर नियर फ्यूचर में। अब 4 वीक से 7 वीक 8 वीक में ये स्टॉक आपको इतने रिटर्न दे सकता है सर। नेक्स्ट होगा सर, ये जब मैंने पहली बार डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जैकपॉट स्टॉक होने वाला है, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट। उस टाइम पे सर हमने डिस्कस किया था ये इस वाली लाइन पे 138-140 की लाइन पे। उसके बाद फिर से डिस्कस किया हमने ये, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये पोल एंड फ्लैग पे डिस्कस किया था फिर से, उसका भी ब्रेकआउट आया। पहला टारगेट 200 का था, वो हमारा 200 का टारगेट भी आ गया। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे देखिए सर, नेक्स्ट टारगेट 260 और 315, ये हमारे नेक्स्ट टारगेट है। फाइनल टारगेट तो अपना 480-500 का है सर, फाइनल टारगेट तो अपना 480-900 का है, क्योंकि जैसे जैसे ये पैराबोला को कंप्लीट करने जाएगा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने जाएगा, वैसे वैसे हम अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचे जाएंगे। आज भी हमने ये ब्रेकआउट हुआ हमारे पहले टारगेट का, स्टॉक को भी ट्रेड कर रहे हैं 212 रुपये के आसपास, तो अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं सर इसमें, व्यू अपना थोड़ा सा लॉन्ग रखें। नेक्स्ट सर, आज के दिन का जबरदस्त स्टॉक था सर, मैंने आप लोगों के साथ, आप लोग मतलब वो लोग जो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे किसी भी चैनल में, मेरे 3 चैनल हैं सर टेलीग्राम पे, एक मेरे क्लाइंट्स का है जिसमें खाली वो लोग हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, दूसरा बिल्कुल फ्री चैनल है हम सब के लिए, आप सब के लिए। तो 26 रुपीज़ के आसपास मैंने शेयर किया था स्टॉक, ये अपर सर्किट में क्लोज हुआ 27.75 में। इसका चार्ट मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पैसा 3 गुना कर सकता है स्टॉक, ये 3 गुना, 27 रुपये का स्टॉक है, 80-81 रुपये तक जाएगा आराम से। बट टाइम टू टाइम हमने इसको रिव्यू करते रहना है और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है कुछ कुछ क्वांटिटीज का। आज के दिन में सर्किट में क्लोज हुआ ये, नेक्स्ट टारगेट 33, उसके बाद 44, 54, 65 एंड फाइनली 80। डे टाइम में मैंने शेयर किया था, सेटअप अच्छा लग रहा था तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। जिन लोगों ने उस टाइम पे बाय किया है वो डे क्लोज होने पे खुश रहे होंगे, क्योंकि मार्केट तो रेड में क्लोज ही थी, उनका स्टॉक पॉजिटिव बंद हुआ अपर सर्किट में। ये स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स। तो सर ये स्टॉक्स थे आपके आज के 7 स्टॉक जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करके, पैसा डाल के अच्छा पैसा बना सकते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने टेलीग्राम पे, मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला सर, एक छोटी सी फैमिली है अपनी, अपना मोटिव बिल्कुल सिंपल है सर, लेट्स ग्रो टुगेदर। अपना मोटिव है सर लेट्स ग्रो टुगेदर, एक दूसरे की हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कि प्रोपोली सुबह ही दे दिया था सर, सुबह ही 9:50 पे ही शेयर कर दिया था, बिल्कुल फ्री चैनल अपना ये। उसके अलावा भी कुछ और छोटी छोटी कॉल्स भी रहती हैं जो डे टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बना के दे सकती हैं। साथ ही कुछ ऐसी कॉल्स भी शेयर करता हूँ जिसकी बिल्कुल मामूली सी प्राइस रखते हैं, केवल 100 रुपीज़, वो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, चाहें तो नहीं बाय करें, बिल्कुल इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता, आपका मन करे तो ये कॉल आप बाय कर सकते हैं कॉस्मोफीड ऐप पे, इस लिंक पे जाके। हालांकि आज का दिन बड़ा डाउन ट्रेंड था, बट अपनी कॉल्स में 5 में से 3 कॉल ने तो अच्छे रिटर्न दिए हैं, 2 कॉल अभी भी होल्ड पे हैं, होल्ड पे हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली है अपनी। तो कॉस्मोफीड पे भी अपने को फॉलो कर सकते हैं सर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सर, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको रेगुलरली क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट, सुपर्ब स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके साथ शेयर होते रहेंगे सर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, और सेम चीज चैनल को, यूट्यूब चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप से शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि अपना जो चैनल है